रेडमी नोट 4 के लिए वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको एक डिक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड एक ही वीडियो में बता रखा हूँ, लीने जो है इसकी वीडियो में बनाया था इंस्टॉलेशन का, लेकिन फिर भी मैं एक अलग वीडियो यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि जो नोट 4 के लिए कुछ रोम हमें इनक्रिप्टेड देखने को मिलती हैं तो उनको आप डिक्रिप्ट करके कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन जैसा कि हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले जो है आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके फ़ोन में एक रिकवरी यानी कि होनी ज़रूरी है, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, इसलिए चीज़ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बाकी उसके बाद आपको क्या क्या करना है उन सब चीज़ों के बारे में आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप जिस भी रोम पे रहो उसकी सिक्योरिटी पे जाके सबसे पहले चेक कर लें कि आप जो रोम अभी यूज़ कर रहे हो वो इनक्रिप्टेड है या नॉट इनक्रिप्टेड। सिक्योरिटी पे जाके इस तरीके से चेक कर लें, जैसे कि मैं नॉट इनक्रिप्टेड दिखा रहा है यानी कि ये रोम हमारा डिक्रिप्टेड है। अगर इनक्रिप्टेड होगा तो सिर्फ यहाँ पर आपको इनक्रिप्टेड लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ चेक कर लें। अगर आप MIUI पे हो तो उस पर भी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर प्राइवेसी में जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर आप इनक्रिप्टेड हुए तो फिर आपको तो फॉर्मेट करना ही पड़ेगा, तो डाटा कॉपी कर लेना, उसके बाद अपने फ़ोन के अंदर कोई स्क्रीन लॉक लगा रखो या कोई गूगल अकाउंट यूज़ तो उनको हो सके तो आप रिमूव कर देना। एंड रिमूव करने के बाद उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो रोम डाउनलोड करना है यानी कि जो रोम आप फ्लश करना चाह रहे हो इनक्रिप्टेड वाली, उसको रोम को डाउनलोड कर लेना है। अब रोम आपकी वनीला भी हो सकती है, तो जैसे कि मेरा GApps इंक्लूडेड है, अगर आप वनीला वाली करते हो तो फिर उसमें आपको अलग से GApps भी फ्लश करना पड़ता है, जो कि मैं हमेशा रोम में दे ही देता हूँ, तो आपको उस रोम में दे दूंगा जिसमें रिक्वायर रहेगी, तो इस तरीके से कर लेना। उसके बाद डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन भी आपको कर लेना, तो लिंक सभी के जो है डिस्क्रिप्शन में जिस रोम पे रहा करेगा उन पे दे दूंगा। फिलहाल इंस्टॉलेशन पे अभी उतना लिंक यानी कि आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपली ऑफ करना है अपने फ़ोन को। ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड पावर डाउन को होल्ड करके थोड़ी देर रखना है, जैसे फ़ोन का लोगो आएगा आपको छोड़ देना है, तो आप अपनी रिकवरी के अंदर बूट कर जाओगे। और रिकवरी जो है हमेशा रिकमेंडेड ही यूज़ करना है, हमेशा मैं वीडियो पे दे देता हूँ, जिन जिन पे रिकमेंडेड रहती है तो उन पे दे देता हूँ, तो रिकमेंडेड ही रिकवरी आपको यूज़ करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली इसके वाइप पे जाना है, और वाइप पे जाके एडवांस वाइप पे जाना है और डॉल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा पांचों ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ से सिंपली आपको वाइप कर देना है, नॉर्मली इस तरीके से वाइप कर देना है। और जैसे ये वाइप हो जाएगा तो उसके बाद आपको सबसे पहले इंस्टॉल में जाना, और इंस्टॉल में जाने के बाद अपनी रोम को यहाँ पर फ्लश कर देना है, रोम को फ्लश कर देना, रोम थोड़ी देर आपको वेट करना, रोम जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा फ्लश हो जाएगा तो आपको सिंपली सबसे पहले वाइप कैच कर देना है। और अगर आप यहाँ पे वनीला रोम फ्लश कर रहे हो तो फिर रोम फ्लश करने के बाद में अपना बैक करके इंस्टॉल पे वापस जाना और अपना जो GApps है अलग से जो फ्लश करना है उसको भी फ्लश कर देना, और उसको सिंपली फ्लश होने के बाद उसको भी वाइप कैच आपको कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप वाइप कैच कर दो उसके बाद आपको वापस से इंस्टॉल के अंदर में जाना है। यहाँ पे जैसे आप GApps इंक्लूडेड रोम फ्लश कर रहे हो या वनीला फ्लश कर रहे हो, आपको फ्लश करने के बाद सिंपली वापस आपको इंस्टॉल पे जाना है एंड यहाँ पे आपको अपना डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन इसको हमें यहाँ पे फ्लश कर देना है। और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकेंड ही लगता है, इसको फ्लश होने के बाद भी आपको यहाँ पे वाइप कैच कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी इंक्रिप्टेड रोम से आ रहे हो फॉर्मेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी नॉट इनक्रिप्टेड से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको सिंपली रिबूट कर देना है, ये चीज़ें फ्लश करने के बाद सिंपली रिबूट कर देना अगर आप किसी नॉट इनक्रिप्टेड से आ रहे हो। लेकिन अगर आप किसी इनक्रिप्टेड से आ रहे हो जैसे कि बताया, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ेगा, यानी कि वापस से वाइप पे जाना होगा, फॉर्मेट पे जाना होगा और यहाँ पे यस लिख करके फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा किसी अगर आप इनक्रिप्टेड रोम से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना ही पड़ेगा, इसलिए बता रहा था स्टार्टिंग में भी कि आप अपना सारा डाटा कॉपी कर लेना, तो इस तरीके से आपको फ्लश करके सिंपली रिबूट कर देना। तो कुछ इस तरीके जो है आप आराम से अपने फ़ोन के अंदर Redmi Note 4 के अंदर में इनक्रिप्टेड रोम को डिक्रिप्ट करके इंस्टॉल कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्लश कर लेना है। एक बार आपको सेटिंग में भी वैसे चल के दिखाता हूँ, आपका जैसे बूट कंप्लीट हो जाएगा सेटअप का आता है तो सब आप अपना कंप्लीट कर लेना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको सेटिंग में भी चल के एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एलेक्जर जो है Redmi Note 4 के लिए एंड्रॉइड 13 इसका ये जो बिल्ड है बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है नॉट इनक्रिप्टेड दिखा रहा है, जैसे कि मैं डिक्रिप्ट करके इसे इंस्टॉल किया हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना और कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी लोग क्योंकि ज़्यादातर डिक्रिप्ट करके ही इंस्टॉल करना पसंद करते हैं, डाटा बार बार फॉर्मेट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो काफ़ी लोग इस तरीके से करते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में और यही था इंस्टॉलेशन। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।